देखिए दुखद है, और ये आबादी बढ़ाया है एक समाज के लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने बढ़ाया जनसंख्या। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी जरूर इस पर कदम उठाएंगे। अगर नहीं उठाएंगे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान बनने में भारत को समय नहीं ज्यादा दिन लगेगा। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफील्ड रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफील्ड लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। जिस तरीके से आंकड़े आए हैं इसको देखते हुए चीन भी अब पीछे रह गया है। हमारे साथ बात करने के लिए हरिभूषण ठाकुर बचौल है, बीजेपी से विधायक है, जुड़ेंगे बात करेंगे। हरिभूषण जी, सबसे ज्यादा आबादी वाला हमारा अब देश बन गया है, क्या कुछ कहिएगा जनसंख्या नियंत्रण के लिए? देखिए दुखद है, और ये आबादी बढ़ाया है एक समाज के लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने बढ़ाया जनसंख्या। 47 में 3 करोड़ था, 30 करोड़ हो गया, जिसको लक्ष्य है फिर से भारत को बांटना या इस्लामीकरण करना। और वोट के लालच में इस देश के राजनेता मूक बने हुए हैं। अविलंब इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, नहीं तो ये देश नरक से भी बदतर हो जाएगा। सर पहले से भी आप कहते आ रहे हैं, आप लगातार कहते आ रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, लेकिन कुछ इस पर काम करिएगा। इस देश में तो देख नहीं रहे हैं काम करने वाले को कितना पीछे खींचा जा रहा है, लेकिन आशा है कि हम लोगों के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी जरूर इस पर कदम उठाएंगे। अगर नहीं उठाएंगे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान बनने में भारत को समय नहीं ज़्यादा दिन लगेगा। और कास्ट कैश के चक्कर में जो हमारे राजनेता हैं वो उस समय रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। जाति जनगणना को देखा जाए, आपने जाति जनगणना की बात की, लगातार जो है कहीं ना कहीं शिक्षकों से जातीय जनगणना करवाया जा रहा है, काफी परेशानियां हो रही है अभ्यर्थियों को। देखिए जातीय जनगणना के हम लोग समर्थन में हैं, लेकिन एक चीज हम लोग जरूर मांग करते हैं। मेरा विचार है कि अब तक नीतीश जी के 17 साल में किस जाति को कितनी नौकरी मिली है इसका भी प्रकाशन करवा दें। लगातार उपेंद्र कुशवाहा विपक्ष एनडीए में आने की बात हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा की, उपेंद्र कुशवाहा ने आपके गृह मंत्री से मुलाकात की है, अमित शाह जी से मुलाकात की है, पटना पहुंचे हैं, उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है, क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा बने? देखिए हमारा राह है राष्ट्रवाद का, हम भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुँचाना चाहते हैं। इसमें अगर उपेंद्र कुशवाहा जी आते हैं तो मेरे ऐसा आदमी उनका स्वागत करेगा। कई महागठबंधन के नेता खड़े हैं सामने, कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी आपकी? हमारी पार्टी है और सबका जो है सब क्या कहें, पार्टी भी नहीं कह सकते हैं, सबका गिरोह है, तो पार्टी या गिरोह में अंतर होता है। हमारी पार्टी पार्टी है और हमारी पार्टी उन गिरोह से मुकाबला करना जानती है। आने दीजिए समय, सब पता चल जाएगा। बीजेपी का सफाया करने की बात कर रहे हैं तमाम विपक्ष के नेता। हाँ तो मुँह से बोलना है तो कहा नहीं सफाया कर दें, सफाया वो गाजर मूली है जो सफाया कर देंगे, अपना होश नहीं है। कैगो एमपी था आप 14 में जदयू को, कैगो एमपी है अभी एट प्रेजेंट 0 आरजेडी को, कैगो है सीपीआई को, कैगो है सीपीएम को, कैगो है माले को, तो बोलने के लिए तो किपर से सी गप तो दिए लप के लप, लेकिन ये पब्लिक है सब जानती है, वोट जनता करती है। पहले वाला नहीं है जमींदारी जो गांव में एक आदमी छाप दिया बूथ, अब एक एक आदमी के पास वोट है और वोट जब डालने जाएगा सब देख करके डालता है वोट। इस देश का लोकतंत्र मजबूत हो चुका है और पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, समय नजदीक है। तो जनसंख्या नियंत्रण हो या फिर तमाम मुद्दा हो इसको लेकर मुखर होकर जवाब रखा है हरिभूषण ठाकुर बचौल ने, तो वहीं क्या कुछ करते हैं? आपने सुना है आने वाले 24 में कहीं ना कहीं एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, तो वहीं महागठबंधन के नेता लाख कोशिश कर ले, लेकिन उनकी पार्टी नहीं है, कहीं ना कहीं बिना पार्टी के वो लोग ऐसे ही गिरोह चला रहे हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक कृपा।